जोस बटलर के नबाद शतक और संजू सैमसन की तूफानी बैटिंग से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मैच में 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में आरसीबी की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की 113 रनों की नबाद शतकीय पारी से 20 ओवर में 183 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में राजस्थान ने अपने होम ग्राउंड सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में 5 गेंद शेष रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। आरसीबी के खिलाफ इस मैच में राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। बिना कोई रन बनाए ही अपना पहला विकेट गंवाने के बाद राजस्थान की टीम मुश्किल में लग रही थी, लेकिन इसके बाद बटलर के साथ मिलकर संजू सैमसन ने तबाही मचा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बैटिंग से आरसीबी के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। बटलर और संजू सैमसन ने मिलकर इस दूसरे विकेट के लिए 148 रनों की पार्टनरशिप की। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपने इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। जोस बटलर इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 100वां मैच खेल रहे थे। बटलर केएल राहुल के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने 100वें आईपीएल मैच में शतक लगाया है। हालांकि आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था कि बटलर अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20वें ओवर टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। लेकिन 94 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे बटलर ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले ही गेंद पर सिक्स लगा दिया, जिससे बटलर ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि 5 गेंद शेष रहते ही राजस्थान को जीत दिला दी। राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने बेशक शतकीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम राजस्थान के सामने सिर्फ 184 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। राजस्थान ने अपने घर में इस लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। विराट कोहली आरसीबी के लिए आखिर तक नाबाद रहे, 113 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 56.94 का रहा। विराट कोहली ने इस पारी में 67 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे धीमा शतक भी साबित हुआ। यही कारण है कि उनकी धीमी पारी से आरसीबी पर भारी पड़ी और आरसीबी यह मैच हार गई। जोस बटलर के बेहतरीन शतक के लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया।